बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पटना आने से महागठबंधन खेमे की उम्मीद जाग गई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र और विधान पार्षद संतोष मांझी ने तेजस्वी यादव के आने पर महागठबंधन को मजबूती मिलने की चर्चा की है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी के आने पर वेलकम कहा है। संतोष मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव के आने से महागठबंधन अब मजबूत हो गया है। तेजस्वी यादव को एक बार फिर महागठबंधन की बैठक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अब मनमाने तरीके से काम कर रही है। बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है, इस पर नीतीश सरकार काबू नहीं कर पा रही है। नई सरकार लाने की जरूरत है। आपको बता दें कि लोकसभा में बिहार में महागठबंधन को लेकर मिली हार के बाद पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी तेजस्वी से खफा चल रहे थे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि वो तेजस्वी को महागठबंधन का नेता नहीं मानते हैं। ऐसे में उनके पुत्र ही तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं, जिससे महागठबंधन को एक बार फिर उम्मीद जाग गई है। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पटना आने से महागठबंधन खेमे की उम्मीद जाग गई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र और विधान पार्षद संतोष मांझी ने तेजस्वी यादव के आने पर महागठबंधन को मजबूती मिलने की चर्चा की है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी के आने पर वेलकम कहा। संतोष मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव के आने से महागठबंधन अब मजबूत हो गया है। तेजस्वी यादव को अब एक बार फिर महागठबंधन की बैठक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अब मनमाने तरीके से काम कर रही है। बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है और इस पर नीतीश सरकार काबू नहीं कर पा रही है। नई सरकार लाने की जरूरत है। आपको बता दें कि लोकसभा में बिहार में महागठबंधन को मिली हार के बाद से हम पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी तेजस्वी से खफा चल रहे थे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि वो तेजस्वी को महागठबंधन का नेता नहीं मानते हैं और ऐसे में उनके पुत्र ही तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं।